हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू बैटम गेमिंग। हम यहाँ रियल क्रिकेट 2022 खेल रहे हैं, जो कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच है। 2 ओवर मैच खेला जाएगा, ये मुंबई के वानखड़े में हो रहा है। और यहाँ टॉस हम लेंगे हेड्स, गेम टॉस फिर से हार चुके हैं। अपोनेंट ने बैटिंग चूज़ की है, हमें बॉलिंग करनी पड़ेगी पहले। यह साउथ अफ्रीका की टीम और ये है इंडिया, जो कि आप देख सकते हैं ओपनर्स हैज ईशान किशन एंड रोहित शर्मा, नंबर 3 फॉर किंग कोहली, नंबर 4 फॉर मेड इन इंडिया मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव, और फिर ऋषभ पंत एट 5, 6 फॉर DK, 7 फॉर हार्दिक पांड्या, 8 और 9th बैट्समैन है एज राहुल एंड श्रेयस अय्यर। एज इट इज़ 2 ओवर मैच, तो 2 ही बॉलर्स हमें ज़रूरत है। और जो कि 10th है युजविंदर चहल स्पिनर, जिनका 2रा ओवर होगा। और पहला ओवर नॉट अदर देन इंडियाज बेस्ट बॉलर द बूम बूम बुमरा। नेक्स्ट मानते हैं क्योंकि जसप्रीत बुमरा आए हैं बॉलिंग करने के लिए, बैट्समैन QDK और तैम्बा बबू में। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। शुरुआत हम आउट स्विंग से करेंगे। पहली बॉल पे चौका मार दिया है, बॉल को पहले ही पढ़ लिया था QDK ने। विकेट आते हैं हम, और ये बॉल को पुश किया, पॉसिबल 1 रन, 1 रन दिया। और क्रीज पे तैम्बा बबू ने हम इनको पहली बॉल डालेंगे। एकदम पैर पर है, किड ने पुश किया बॉल फील्डर के हाथ में, और ये जसप्रीत बुमराह की नो बॉल आ चुकी है। कप्तान बिल्कुल नहीं चाहेंगे अपने विशिष्ट बॉलर से ऐसी गलती होना, जो कि एक इंटरनेशनल मैच है। देखेंगे, शॉट हवा में खेल दिया है और एक गैप मैच चौका, नो बॉल का नतीजा हमें भुगतना पड़ा। 3 बॉल हो चुकी हैं, 10 रन आ चुके हैं पहली 3 बॉल पे। और मैं कंट्रोल करना पड़ेगा, बस इस ओवर में कॉन्फिडेंस दे दिया, अगला ओवर भी तो वैसे ही जाएगा। और ये कवर ड्राइव मारी, फील्डर्स ने की मिस फील्ड। कप्तान बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसे मिस फील्ड के जरिए 1-1 रन लीक होते जाएं। बूंद बूंद से घड़ा करता है, QDK के एकदम पैर पे बॉल, उन्होंने फील्ड के हाथ में लिए, 1 रन चुरा लिया। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। पांच बॉल 12 रन आ चुके। पहले बॉल में बड़ा शॉट मारने की कोशिश पर नहीं मार पाए, 1 रन चुराया, आगे आए थे तो मिस टाइम किया बॉल को। इस ओवर में आए, इस ओवर में 13 रन नाबाद QDK और तैम्बाबू में भी खेलते हुए। हमारे पास 2 ऑप्शन है, हार्दिक पांडे और युजवेंद्र चहल। हम स्पिन के साथ जाना चाहेंगे। इनके आंकड़े देखिए, बहुत ही बढ़िया आंकड़े इंटरनेशनल क्रिकेट में। और ये फील्ड हमने लगाई नॉर्मल। राजेंद्र चहल अपनी स्पेल की शुरुआत करते हुए गुगली के साथ तैम्बा बबू में,
कि यहाँ खेल दिया है हल्के हाथों से फील्डर के हाथ में, और ये मिस फील्ड कर दी है फील्डर ने। आज फील्डिंग एफर्ट बहुत लो लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लगता है प्लेयर्स बिल्कुल ही मोटिव होते हैं। और ये ऋषभ पंत स्टंप के पीछे से युजवेंद्र चहल से कुछ बात करते हुए, बबूमा आगे आना चाहे थे पर मिस टाइम किया और बॉल धनवार में चाहते रहना। बहुत ही वाइड थ्रो, पता नहीं आज क्या हो रहा है। और ये क्यूडी के को गेंद युजवेंद्र चहल के एकदम पैर पे, और ये सपाट छक्का। बॉल को पहले ही पढ़ लिया था, तीन बॉल पे 9 रन आ चुके हैं। फील्डर के हाथ में एक रन चुरा लिया है फिर से, बहुत ही वाइड थ्रो। बहुत ही शानदार थ्रो, और बैट्समैन पहुंच चुके थे। और ये अपने स्पेल की लास्ट बॉल डालते हुए जसप्रीत बुमराह, जो कि लेग स्पिन होगी। हल्के हाथों तक चौका मार दिया है। इंडिया की बोलिंग आज थोड़ी वीक नजर आई, क्योंकि बैट्समैन को उसका भरपाना करना पड़ेगा। 29 का टारगेट दिया है साउथ अफ्रीका ने, तो हमारे बैट्समैन और स्ट्राइकर एंड पे ईशान किशन, नॉन स्ट्राइकर पे रोहित शर्मा। एमआई वाली ओपनिंग नज़र आती है, बहुत चर्चे में चल रहे हैं आजकल ईशान किशन। और ये कभी चोरा वाड़ा वर्ल्ड क्लास बॉलर, इनकी गेंद से अच्छे अच्छे बैट्समैन के पैंट गीली हो जाती है। पहली बॉल पे LBW का करते हुए बॉल ज़्यादा स्विंग नहीं हुई, पर उनको नहीं मिला क्योंकि बॉल आउट ऑफ द लाइन थी। क्या आप टीम DRS लेना चाहेगी? 2 रिलीज रिमेनिंग है, लेना तो चाहिए पर कप्तान ने मना किया। बहुत ही तेज तरह गेंद आई थी, ईशान किशन उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, अमूमन ऐसा होता नहीं है। और ये गिल्ली उड़ाते हुए ईशान किशन की, कगिसो रवाड़ा गोल्डन डक पे आउट हुए ईशान किशन। नंबर 3 पे हमेशा की तरह किंग कोहली, वन एंड ओनली, इनसे बहुत अनुमान है। और पहली बॉल पे सर के ऊपर से उठा दिया है छक्का, बहुत ही फॉर्म में चल रहे हैं ये, मानो कि कह रहे हैं फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। वाह क्या बात है। इस ओवर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, अगले ओवर में पावर प्ले ख़त्म है तो फील्ड खुल जाएगी। अरे शॉट बढ़ाते हुए, और ये बीटन बाय द पेस, बॉल को पकड़ लिया था पर अच्छे से खेल नहीं पाए, बैट स्विंग लेट हुआ है। अरे ओवर की एक बाउंसर होते हुए अब आगे और बाउंसर नहीं डाल पाएंगे रबाड़ा। और ये पुल शॉट मारते रोहित है, पर यहाँ मारा विराट ने, उसको पूरा भी किया विराट कोहली के नाम। एक और छक्का इसी ओवर में रबाड़ा प्रेशर में, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही नज़ाकत टाइमिंग के साथ मार रहा है ये शॉट। टीम को बचाते हुए, यही होती है एक बड़े प्लेयर की। और ये एक और बड़ा छक्का, और ये फील्डर ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ लिया है, बॉल हवा में पर कैच पकड़ लिया।
बॉल मिसटाइम हुई थी विराट कोहली से। तेम्बा बबूमा का एक कप्तान ने पकड़ा उप कप्तान का कैच, ये हमें इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में भी देखने को मिला था क्योंकि विराट कोहली ने बाबर आजम का कैच पकड़ा था। अब नंबर फोर मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव, ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं इनने, पर अब आए हैं रोहित शर्मा क्योंकि 6 बॉल पे 17 रन चाहिए, इंडिया के कप्तान, आज इन्हें ये करके दिखाना ही पड़ेगा। गुगली है और ये अच्छे से पढ़ नहीं पाए, जैसे जैसे डॉट बॉल होती जाएंगी प्रेशर बढ़ता जाएगा तो आपको जल्दी गेम ख़त्म करने को देखना पड़ेगा। एकदम वाइड स्पिन, अच्छे से टाइम नहीं कर पाए, 3 रन 2 रन 3 तीसरा रन के लिए भागे हैं और ये पूर्ण भी करेंगे। अरे डाइव मारी, अब आपको चाहिए सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पे, 4 बॉल में 14 रन, इनसे भी बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छा खेलते हैं ये। हवा में खेल दिया है और ये बहुत ही बेहतरीन कैच, और यहाँ इंडिया थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ, राशि वांद्रे दसन का कैच था और ये डायमंड बैक को सूर्य कुमार यादव जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ हार्दिक पांड्या आए जा रहे हैं, 152 का स्ट्राइक रेट, ब्रूट बैट्समैन है बहुत ही ज़्यादा, इस स्पिन को अच्छा खेलते हैं। रोहित शर्मा के पास स्ट्राइक है, रोहित शर्मा भी अपना दे रहे हैं और ये छक्का मार दिया है कप्तान ने, हम बॉलर को चुनौती देते हुए, कवरेज समझी वो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनकी बॉल पे छक्का मारना बड़ी बात है। हालांकि रोहित शर्मा भी अपना क्लास दिखाते हुए, और ये हमने कैच पकड़ लिया है, ज़्यादा अच्छे से टाइम कर नहीं पाए। यहाँ आ रहे हैं श्रेयस अय्यर जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, बाकी बैट्समैन को रुकना पड़ेगा। 8 रन चाहिए 1 बॉल पर, तो काम ये 9 बॉल्स सही हो सकता है। हार्दिक पांड्या ने भी कोशिश करी तो नहीं हो पाया, जो कि रन भागते भागते रन आउट भी हो चुका है। तो साउथ अफ्रीका ये मैच 6 रन से जीत चुका है, यहाँ भारत के प्लेयर थोड़े से कमज़ोर नज़र आए, पर होप अगले मैच में अच्छा खेलेंगे। यहाँ फिर रबाड़ा को जाता है मैन ऑफ द मैच अवार्ड, हमने पावर प्ले का ओवर अच्छा किया था और विराट कोहली के 2 छक्के हटा दिए हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।